अब खबर जगदलपुर से है, जहां गुड़ा में एक 5 महीने के बच्चे का चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने देर रात बच्चे को तो बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी महिला इस बात पर अड़ी है कि बच्चा उसी का है और जबरदस्ती उससे बच्चा छीना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को प्रार्थी को सौंप दिया है और दोनों महिलाओं का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का असली खुलासा हो सकेगा। ये बच्चा को एक जन आदमी उठा के ले गया शनिवार, अच्छा शनिवार को पानी पीने के लिए आया था वो आदमी, दीदी पानी तो पीने के लिए बोला। हाँ मैं देखने से पहचान। अच्छा, पहली बार आया था तुम्हारे पास? हाँ। फिर क्या हुआ? पानी पी के गया, फिर वापस आ गया, हम लोग सो गए। अच्छा, बच्चे को सुलाए, उतना समय बच्चे को उठा के ले गए। सविता, सविता का बेटा थाना में। मैं बोली क्यों? कि वो बच्चा चोरी का बच्चा है, क्यों रखेगा हम चोरी का बच्चा? डेढ़ महीना से बस्तर में जाके देखिए, एक एक लोग को पूछिए कि बस्तर के अंदर में कि वो बच्चा किसका है। डेढ़ महीने से मैं 10 तारीख को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको उठा करके ले गया करके इसकी जाँच की जा रही थी। अपराध पंजीबद्ध है उस मामले पर। और आज रात में अचानक सूचना मिली है कि एक बच्चा जो है बस स्टैंड में, नए बस स्टैंड में एक संदिग्ध महिला के साथ में देखा गया है। और बोधघर थाने से हम लोग पुलिस टीम रवाना करके उस बच्चे को बरामद करवाए थे। बरामद करने के बाद रात में सखी सेंटर में रख पाए थे। और जो जिस माँ की बच्चा गुमा है, जो प्रार्थियों को बुलवाकर पहचान कराया गया, तो बच्चे की माँ के द्वारा कहा जा रहा है कि ये बच्चा वही बच्चा है, उनका बच्चा है, उनके माता जी। बुलेटिन में लेंगे छोटा सा ब्रेक।